अब इन 3 सालों में मुझे हॉस्टल नहीं अलॉट हुआ है। ए, मेरे ऊपर मत मार देना। अगर आप जीतोगे तो उसके अच्छे कैश प्राइजेस हैं। अभी हमें हॉस्टल आए लगभग 2 से 3 दिन भी नहीं हुए और आप देख सकते हैं कैसे हमारा रिलेशनशिप जो है कागज पत्थर के साथ इतना मजबूत हो चुका है। फिलहाल ये है मेरे वाईफाई का परफॉर्मा जिसको मैं सबमिट करूंगा। इसे मैंने प्रोवोस्ट ऑफिस में दिया हुआ था, वहां पर इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब ये जाएगा मेरे डिपार्टमेंट में, वहां पर भी इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, फिर उसको वो फॉरवर्ड कर देंगे, फिर हमारा वाईफाई जो है ऑन हो जाएगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। यू नो, आप मेरे चेहरे पे गर्मी और पसीना देखकर पता लगा सकते हैं कि जद्दोजहद जारी है दोस्तों। और ये हम अपने आर्ट्स फैकल्टी में पहुंच गए। अपना सारा काम हो चुका, अभी चलते हैं हम डाइनिंग के लिए, उसके बाद फिर जाएंगे जोहर की नमाज पढ़ने। सामने आपके ये मस्जिद, ये अपने हॉस्टल की नहीं है मगर हॉस्टल के बाहर की मस्जिद है। गेट क्यों बंद है भाई? ओम फो, यहाँ तो टाइम ही नहीं हुआ जोहर का। 1:45 वाली जमात होती है भैया यहाँ पे, 1:30 वाली दौड़ के पकड़नी पड़ेगी मुझे। Guys, I'm done with my salah. अभी मैं जा रहा हूँ डाइनिंग के लिए। खाना खाने के बाद फिर मैं जाऊँगा रेलवे स्टेशन में, जो वहाँ पे अभी कुछ काम है। डाइनिंग जाते जाते मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। अभी मेरे पास अब मुझसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले और सबका एक ही सवाल था कि भाई हॉस्टल नहीं मिल रहा, हॉस्टल नहीं मिल रहा है। पहली बात तो भाई बीए में बहुत मुश्किल है हॉस्टल मिलना। अगर आपका बहुत लिंक है, बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है, तब तो आपको जाके हॉस्टल मिलेगा, वरना फिर आप हाथ पैर मारिए, कहीं से कोशिश कीजिए तो क्या पता मिल जाए। दूसरी चीज, सब कोई इस फेज से गुजरता है, आप अनोखे नहीं, हर कोई बंदा यही प्रॉब्लम फेस किया हुआ है अपने शुरुआती दिनों में और अभी भी। कहाँ पे कौन सी परेशानियां खत्म हो जाती है, हमेशा आपके नई नई परेशानी आते रहते हैं। जैसे आपके फोन में अपडेट आता है वैसे आपकी परेशानी भी अपडेट होते रहते हैं। अगर किसी का हॉस्टल वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया तो उसकी कोई और प्रॉब्लम आ गई हो, तो ये मत सोचो आप बहुत ज्यादा परेशान हो या आपकी कोई कैंपस में कदर नहीं कर रहा, इज्जत नहीं कर रहा, आपकी देखभाल नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, सबके साथ ये सेम ही होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जद्दोजहद जारी रहेगी, हम रुकने वालों में से नहीं। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंग्स टू गेट सॉर्टेड आउट। आपको अपने से देखना है कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दूसरों से मशवरे लो, बस दैट्स इट। मुझे एएमयू में एनरोल्ड हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। 1.5 साल मैंने ऑफलाइन क्लासेस की हुई हैं और 1.5 साल मैंने ऑनलाइन क्लासेस की हुई। अब इन 3 सालों में मुझे हॉस्टल नहीं अलॉट हुआ और फिर ये 4th साल चल रहा है, अब मैं एमए में हूँ। इंशाल्लाह मुझे हॉस्टल जो है मिल जाए। मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि सबके साथ ही होता है। अगर आप इसको ध्यान से सोचो ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले अकेले होते हैं और आप ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हजारों। एक पर्टिकुलर टीम जो है वो हजारों लोगों को डील करती है, आप सोच सकते हैं उनके ऊपर बर्डन कितना होता है। सो आप दोस्त बनाओ, दोस्त के साथ कहीं से एडजस्टमेंट करके कहीं पे रह लो, जाया करो आप प्रोवोस्ट ऑफिस पे, आप जाके वहां से बातचीत करो, वो हॉस्टल के लिए अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। अब वही बात है, इन सब चीजों में वक्त बहुत लगेगा, तो सब्र करो। एमयू में आप एडमिशन लेने के लिए परेशान थे, अब एडमिशन हो गया ना, बाकी धीरे धीरे भी चीजें सेटल आउट हो जाएंगी। और अभी मेरी क्लास खत्म हो गई है, 9:50 पे गया था क्लास के लिए और 12:30 बजे मेरी क्लास हो गई। 3 क्लासेस थी आज सैटरडे। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं हफ्ते में एक व्लॉग डालूंगा बस, सैटरडे और संडे वीकेंड, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन व्लॉग्स नहीं डाल सकता। मुझे पढ़ाई भी करनी है, मैं मतलब फोकस करना चाहता हूँ पढ़ाई पे भी। अब व्लॉग्स का जो फॉर्मेट है शायद अलग भी हो सकता है, क्या पता मैं छोटे व्लॉग्स बनाऊँ, 4 से 5 मिनट के हो सकते हैं, अल्लाह हुआ आप एडजस्ट कीजिएगा। बट इंशाल्लाह मैं व्लॉग्स बनाता रहूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा। इतनी सी बात है, बाकी सब बढ़िया। सामने मेरे फुटबॉल ग्राउंड है, आपको दिखाता हूँ। शाम को यहाँ पर आपको रौनक दिखेगी। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने रूम के लिए, मुझे कुछ देर बाद रेलवे स्टेशन भी निकलना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। वहाँ पे इतने काम है, जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या कर रहे हैं? अरे डाइनिंग उनिंग करके नमाज पढ़ के आ रहा हूं मैं। मेरी जिंदगी भी इन्हीं शीशों की तरह धुंधली हो गई है और फूट भी चुकी है। इसी पेट में खाना भरा तुम्हारे? गुलाब जामुन नाक में मत सर। ओए चलो गए। सब अपने खेला में बिजी हैं, चलो हम लोग चलते हैं। तो गाइस अभी वक्त हो रहा है 9:03 और दिन है आज संडे का। अभी हम जा रहे हैं अपने डाइनिंग ब्रेकफास्ट के लिए। आज से 6 महीने पहले जब डाइनिंग खुली हुई थी, डेढ़ साल पहले जब डाइनिंग खुली हुई थी, तो हमें संडे के दिन मिलते थे आलू पराठा, वो मतलब मैदे का पराठा रहता था। बट अभी पता नहीं, शायद चेंज हो गया होगा, तो देखते हैं आज के मेनू में क्या है। ये साकिब का पुराना रूम जो नहीं रहा, बेघर हो गया बेचारा। कैंटीन पर कुछ लोग बैठे हुए,
हंस भी रहे हैं। हैं? लड़ाई करने जा रहे हो? माल मलिद आ चुका है, सेम वही पुराना वाला ही मेनू है अपना। 2 साल पहले जो था वही है। ये जनाब इंग्लिश लिटरेचर ग्रुप के CR हैं, आम चोरी करने के फिराक में है, क्लास के। तो ग्रुप ही हुआ ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। नल्ला शॉट मारा रे भाई, एक भी नहीं गिरा होगा मेरे हिसाब से। डिड यू गेट एनीथिंग? चलो चलो चलते हैं, एक काफी है तुम्हारे लिए, उतने में तुम्हारा पेट भर जाएगा। अब क्या बीवी बच्चों के लिए भी तोड़ोगे? हे मेरे ऊपर मत मार देना। अल्लाह अकबर, फंस गया जा। हैरी पॉटर वाला झाड़ू लेकर अब तोड़ रहा है। इंगार्डियम लेवियोसा। खतरनाक तेज वाली धूप। अरे ब्लर हो गया मेरा कैमरा, ये सारा डस्टबिन जो है बंदरों ने गिरा दिया। अंदर सब बढ़िया है ना, पानी उन्हें ठंडा आ रहा है ना। एमयू का पानी तुम खर्च कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? कितना पैसा दियो? 10,000 रुपए। सर फाइनली आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। 6 दिन लग गए मुझे बाइक मिलने में। ये बाइक जो है बस्ती से चली थी और ये वैशाली गलत ट्रेन में चला के इन्होंने फिर दिल्ली पहुंचा दिया। दिल्ली में 3-4 दिन तक पड़ी हुई थी, वहाँ से फिर ट्रेस हुआ है, आज जाकर वो लोग भेजे। अभी को मुझे कॉल आया स्टेशन से, अब मैं जा रहा हूँ उसको कलेक्ट करने। फाइनली बहुत दौड़ाया रेलवे वालों ने। जैसे यूपी पुलिस होती है वैसे एमयू की पुलिस यहाँ पे रहती है। रिक्शा खड़ी है सामने, गड्डी हमारे सामने। गाइस इस गड्डी के लिए मैंने एक शेर लिखा हुआ, तार्ज करता हूँ। गड्डी हमारी सस्ती है मगर दिल में हमारे बस्ती है। काम हमारे आती है मगर भाव फिर से अर्ज किया है। गड्डी हमारी सस्ती है मगर दिल में हमारे बस्ती है। काम हमारे आती है मगर भाव नहीं खाती। तो गाइस बाइक तो मेरी मिल गई, अभी मैं आया था सर सैयद हाउस की तरफ। असल में मुझे इधर काम था। मेरे साथ हैं जुबैर भाई। अस्सलाम वालेकुम सबको। असास 2K22 यही है ना? हाँ जी, असास 2K22 फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च। तो ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे ये और इनकी पूरी टीम। इसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है परफॉर्म होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप फुटसेल खेल रहे हैं या पबजी खेल रहे हैं या फिर नुक्कड़ नाटक फैंसी ड्रेस, हर चीज। और मैंने देखा होता पोएट्री रिसाइटेशन का भी है और रैप बैटल वगैरह भी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक छोटी सी एंट्री फीस है वो देने के बाद फिर इसके कैश प्राइजेस भी, अगर आप जीतोगे तो उसके अच्छे कैश प्राइजेस हैं। अगर नंबर देना डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, नंबर में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। फिर जिनको इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम।